सुपर हीरोज और विलन की सबसे अजीब और गरीब कमजोरियां पार्ट टू। एंड सबसे पहले अपना होकाई एंड उसकी कमजोरियां एरोस का खत्म हो जाना। होकाई लिटरली एक एग्जांपल है कि 21वीं सदी के इंटरगैलेक्टिक बैटल में जहां लोग लेजर वगैरह मार रहे हैं वहां तुम्हें कौन सी हथियार नहीं लेकर जानी चाहिए, जो कि तीर कमान। एंड इस कमजोरी को अवेंजर्स के फर्स्ट पार्ट में बहुत ही एपिकली दिखाया गया था। नंबर 3 एंटमैन बीम पार्टिकल्स का खत्म होना। इसकी भी कमजोरी कुछ हद तक होकाई जैसी है, होकाई से ज्यादा यूजुअल करेक्टर है, बट जब इसके बीम पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, जब ये होकाई से भी ज्यादा अनयूजेबल बन जाता है, तभी तो होकाई के लिए दिल में इतनी रिस्पेक्ट है कि बिना सुपर पावर्स के भी वो अभी तक एमसीयू में जिंदा है। नंबर 2 क्विकसिल्वर। एंड इसकी कमजोरी है बुलेट्स, जो कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड और इलॉजिकल है। इसलिए नहीं कि ये बुलेट से तेज है तो उससे बचा क्यों नहीं, बल्कि इसलिए अगर ये सुपर स्पीड से भाग रहा है तो इसकी बॉडी हल्क जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना सुपर स्पीड के फोर्स से इसकी चमड़ी बॉडी से अलग हो जाएगी। इवन इसको रोबोट को तोड़ती हुए भी दिखाया है, मतलब इसकी बॉडी ड्यूरेबल है, तो फिर बुलेट्स कैसे आर पार हुई।